है गाइस, कैसे हो सारे। मैं विक्रम और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश का जीके जो आपकी दहाट और एमबी पुलिस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। क्वेश्चन हमारा है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में पुलिस यातायात प्रशिक्षण संस्थान स्थित हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस सारे, इसलिए आप एंड तक ज़रूर बने रहिए हमारे साथ। क्वेश्चन ऑप्शन है हमारे उज्जैन, ग्वालियर, भोपाल या इंदौर। तो ये रहेगा गाइस भोपाल। आंसर रहेगा सी हमारा कि मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में पुलिस यातायात प्रशिक्षण संस्थान स्थित हैं। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें कि किस शासक ने ग्वालियर राज्य की स्थापना की थी, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन है जीवाजीराव सिंधिया या बाजीराव सिंधिया या माधवराव सिंधिया या महादेव जी सिंधिया। तो यहाँ पर आंसर है गाइस डी कि महादेव सिंधिया। तो जो महादेव जी सिंधिया है उन्होंने ग्वालियर राज्य की स्थापना की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड हम बात करें कि निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये और इसका हम थोड़ा डिटेल में भी बात करेंगे गाइस, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऑप्शन है दिग्विजय सिंह, कैलाश नाथ काटजू या श्री रविशंकर शुक्ल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर रहेगा गाइस श्री रविशंकर शुक्ल। तो पंडित श्री रविशंकर शुक्ल का जन्म सागर मध्य प्रदेश में हुआ और ये प्रथम मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश और 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आए नए राज्य मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रहे थे। ओके गाइस, नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें कि मध्य प्रदेश का एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है खंडवा, उज्जैन, भोपाल या बुरहानपुर। तो ये रहेगा गाइस बुरहानपुर। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय स्थित है। ओके, नेक्स्ट हम बात करें कि भारत में सर्वाधिक वन किस राज्य में स्थित हैं। ऑप्शन है कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो ये है गाइस मध्य प्रदेश। भारत के जितने भी राज्यों की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो वन स्थित हैं मध्य प्रदेश में हैं। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें कि देश का पहला रत्न परीक्षण केंद्र मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है। ऑप्शन जो है हमारे पास जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर या मंदसौर। तो ये रहेगा गाइस जबलपुर। जबलपुर में जो है देश का पहला रत्न परीक्षण केंद्र मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थापित किया गया। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन बात करें क्वेश्चन नंबर 7। तो मध्य प्रदेश में जो नर्मदा और ताप्ती नदी प्रवाहित होती हैं किस ओर बहती हैं। ऑप्शन है पूर्व, दक्षिण, पश्चिम या उत्तर। तो ये रहेगा गाइस राइट आंसर हमारा है पश्चिम। तो जो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी जो मध्य प्रदेश की दो महत्वपूर्ण नदियां हैं यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि मध्य प्रदेश में लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ पर है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन है भोपाल, इंदौर, झाबुआ या ग्वालियर। तो ये रहेगा गाइस डी ग्वालियर। तो ग्वालियर में जो है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्थित हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करें, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा कि मध्य प्रदेश के किस शहर में देश की एकमात्र अफीम फैक्ट्री स्थित है। तो ऑप्शन है जब नीमच, शाजापुर, अशोकनगर और मंदसौर। तो ये रहेगा हमारा गाइस ए नीमच। तो मध्य प्रदेश की जो नीमच जो जिला है उसमें एक अल्कलाइट फैक्ट्री या अफीम की फैक्ट्री स्थित है। इसका रीज़न ये है कि गाइस कि मध्य प्रदेश का जो या भारत की हम बात करें तो सबसे अधिक उत्पादन जो होता है नीमच मंदसौर ज़िले में होता है और यहीं पर ज़्यादातर अफीम उत्पादन होने के कारण यहीं पर भारत की एकमात्र अफीम फैक्ट्री भी स्थित है। ओके, नेक्स्ट हम बात करें कि देश की पहली मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला मध्य प्रदेश का वह कौन सा ज़िला है। ऑप्शन है भोपाल, उज्जैन, राजगढ़ या गुना। तो ये रहेगा गाइस राजगढ़। राजगढ़ जो मध्य प्रदेश का पहला राज्य है जिसने जिले के लेवल पर मानव विकास रिपोर्ट जारी की थी। ओके, नेक्स्ट हम बात करें कि मध्य प्रदेश के किस जिले में देश का पहला आदिवासी शोध संचार केंद्र स्थित है। ऑप्शन की हम बात करें तो यह है जबलपुर, झाबुआ, भोपाल या मुरैना। तो ये रहेगा गाइस झाबुआ। बी आंसर हमारा राइट रहेगा कि झाबुआ में जो है मध्य प्रदेश में झाबुआ जो मध्य प्रदेश का एक जिला है उसमें देश का पहला आदिवासी शोध संचार केंद्र स्थापित किया गया। नेक्स्ट हम बात करें कि प्रसिद्ध संगीतकार और गायक किशोर कुमार का जन्म किस शहर में हुआ था। ऑप्शन जो है पुणे, खंडवा, इंदौर या मुंबई। तो ये है गाइस खंडवा। तो जो मध्य प्रदेश का खंडवा जो निमाड़ क्षेत्र में आता है
वहाँ पर प्रसिद्ध संगीतकार और जो गायक हैं किशोर कुमार, उनका जन्म हुआ था। ओके नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 कि बाबा अलाउद्दीन खां का संबंध किस शहर से है। तो जो उस्ताद अलाउद्दीन खां हैं उनका संबंध किस शहर से है। ऑप्शन है चित्रकूट, कटनी, सतना या मेहर। तो ये है गाइस मेहर। तो उस्ताद अलाउद्दीन खां जो थे गाइस इम्पोर्टेंट हैं ये, और ये एक सरोद वादक थे तो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें कि हेलियोडोरस ने गरुड़ ध्वज का निर्माण कहाँ पर करवाया था। यह है सांची, इंदौर, विदिशा या मंडला। तो ये रहेगा गाइस हमारा आंसर कि विदिशा। विदिशा में जो है हेलियोडोरस ने गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है श्योपुर की संभाग में शामिल है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस ये। ऑप्शन है रीवा, इंदौर, चंबल या सागर। तो श्योपुर जो है गाइस चंबल संभाग में स्थित है, और चंबल संभाग के अंतर्गत 3 जिले आते हैं जिनमें से जो तीनों हैं भिंड, मुरैना और श्योपुर। ओके नेक्स्ट हम बात करें कि मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय का मुख्यालय किस जिले में है। ऑप्शन है भोपाल, नीमच, जबलपुर या इंदौर। तो ये है गाइस जबलपुर। जबलपुर में जो है उच्च न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो ये भी पूछा जाता है गाइस अक्सर। ऑप्शन है भोपाल, सतना, छिंदवाड़ा या रीवा। तो ये रहेगा गाइस छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा जो है मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे जिले की हम बात करें तो वह रहेगा निवाड़ी। ओके इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें कि निम्न में से किस शहर में पशुपतिनाथ का मंदिर स्थित है। ये है ऑप्शन मंदसौर, कटनी, सिवनी या नीमच। तो ये रहेगा गाइस मंदसौर। मंदसौर में जो है कि भगवान पशुपतिनाथ की अष्टमुखी मूर्ति स्थित है, और ये मंदिर जो है कि मंदसौर शहर के शिवना नदी के तट पर स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें कि मध्य प्रदेश की सीमा निम्न में से किस राज्य से नहीं लगती है। ऑप्शन जो है राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात या उत्तर प्रदेश। तो इसका रहेगा गाइस आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की सीमा जो है मध्य प्रदेश के साथ नहीं लगती है, जबकि दक्षिण की ओर जो है महाराष्ट्र, और पूर्व की ओर छत्तीसगढ़, उत्तर की ओर उत्तर प्रदेश, और पश्चिम की ओर गुजरात और राजस्थान की सीमा को स्पर्श करती हैं। ओके जिसमें से आंध्र प्रदेश की सीमा मध्य प्रदेश राज्य स्पर्श नहीं करता है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें कि राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के किस जिले में शामिल किया गया है। ऑप्शन है इंदौर, विदिशा, देवास या गुना। तो ये होगा गाइस विदिशा। विदिशा के जो कि राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील को जो मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ था, तो उस समय सिरोंज तहसील जो कि राजस्थान के कोटा जिले की थी, तो उसे मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में शामिल कर दिया गया। इसके बाद मध्य प्रदेश के किस जिले में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ये है गाइस सिवनी, होशंगाबाद, सीधी या मंडला। तो ये रहेगा गाइस मंडला। मंडला और डिंडोरी में जो है कि जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर हमारे पास डिंडोरी ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए हम लगाएंगे मंडला। ओके लेकिन अगर हमारे पास अगर डिंडोरी आ जाता है तो इसका राइट आंसर डिंडोरी रहेगा। नेक्स्ट हम बात करें कि मध्य प्रदेश की स्थापना किस सन में हुई थी। 1950, 1956, 1960 या 1947। तो इसका आंसर रहने वाला है 1956, कि 1956 में मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट हम बात करें कि मध्य प्रदेश राज्य का कुल धरातल क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है। तो ये है कि 30/82 वर्ग किलोमीटर या 20/10/50 वर्ग किलोमीटर या 20/82 वर्ग किलोमीटर या 3,08,460 वर्ग किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर रहेगा गाइस 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 30/82 जो कि मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें कि मध्य प्रदेश के किस शहर का प्राचीन नाम अवंतिका है। ऑप्शन है मांडू, त्रिपुरी, उज्जैन या धार। तो ये रहेगा गाइस उज्जैन। उज्जैन जो कि एक प्रसिद्ध पवित्र नगरी है मध्य प्रदेश की, और इसका जो प्राचीन नाम है अवंतिका है, तो वो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट, किस नदी पर कपिलधारा और दुग्धधारा जलप्रपात स्थित है। ऑप्शन जो है ताप्ती नदी पर, इंद्रावती नदी पर, सोन नदी पर या नर्मदा नदी पर। तो ये है गाइस नर्मदा नदी पर। तो नर्मदा नदी पर जो कई जलप्रपात स्थित हैं उनमें से कपिलधारा और दुग्धधारा जलप्रपात इम्पोर्टेंट है। और अंतिम क्वेश्चन जो है हमारा कि मध्य प्रदेश के किस जिले में जहाज महल स्थित है। ऑप्शन है ग्वालियर, मांडवगढ़, पंचमढ़ी या सिरगढ़।
तो ये है गाइस मांडवगढ़। मांडवगढ़ जो कि मांडू एक मध्य प्रदेश की जॉय सिटी के नाम से जाना जाता है, या कि आनंद नगरी, तो वहाँ पर जो है जहाँ जो महल स्थित हैं। तो आज की वीडियो में गाइस इतना ही, और मिलते हैं नई वीडियोस के साथ। तब तक धन्यवाद, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी नई वीडियोस रहे तो उसे आप मिस ना कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।